तो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोरल ब्लीचिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रवाल विरंजन। और प्रवाल विरंजन में, जैसा कि हम लोगों ने कल इसे डिफाइन किया कि जो प्रवाल या कोरल होते हैं वो मल्टी कलर होते हैं, इनमें बहुत सारे रंग पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनके रंग उड़ने लगें, समाप्त होने लगे, यानी वो रंगहीन होने लगे, द प्रोसेस ऑफ डी कलराइजेशन और डी पिगमेंटेशन ऑफ द कोरल कॉलोनी इज नोन एज द कोरल ब्लीचिंग। ये तो डी पिगमेंटेशन ऑफ कोरल्स। तो प्रवाल विरंजन क्या है? प्रवालों में जो वर्ण है, लवक है, वर्णों का तिरोहित होना, समाप्त होना, ये है। अब क्या क्या इनके कारण हो सकते हैं? तो अगर हम लोग कारण की बात करें तो कारण, कॉजेज, हमने आपको कल दो बताए थे। जैविक और जलवायवीय। जो जैविक है इसका मतलब है कि कुछ अन्य जीव जो कोरल पर पैरासिटिक या पैथोजेनिक इफेक्ट डाल सकते हैं। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन सब में बैक्टीरिया और फंगस ये आते हैं। तो कोरल्स को रंगहीन बनाने वाले सदस्य फंजाई और कवक हो सकते हैं। ये अब जलवायु में क्या क्या है? तो जलवायवीय परिवर्तन से तापमान, ताप वृद्धि हो जाए, टेम्परेचर राइज, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, जब ताप बढ़ेंगे तो एवोपरेशन भी बढ़ेगा, तो लवणता वृद्धि भी हो सकती है, सेलिनिटी राइज, ये हो गए। अब इनका सोर्स क्या है? तो अगर बायोलॉजिकल हैं या फंगस हैं या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं तो इनके सोर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, एंड दे मे बी द एंथ्रोपोजेनिक, मानव के द्वारा भी वहां बीमारियां पहुंचाई जा सकती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एज अ वेक्टर और कैरियर काम कर सकता है। तो दे मे बी ऑफ टू टाइप्स, प्राकृतिक और मानव जनित। दूसरा, जलवायवीय कारक में भी यहां प्राकृतिक यानी नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ये एंथ्रोपोजेनिक है। इसके अलावा मानव हर जगह से खनिजों को, संसाधनों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और ज्यादातर जो महासागरीय संसाधन प्राप्त किए जाते हैं वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ ही वो जगह है जहां पर कोरल्स मिलते हैं। तो यहां हो जाएगा मानव के द्वारा अतिक्रमण। मानव के अतिक्रमण से होता क्या है? हमेशा एक शब्द याद रख लीजिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए, अधिवास, जो उनका प्राकृतिक अधिवास है उसको मानव विनाश कर देता है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो
तो डिस्टरबेंस बाय मैन ये हो गए। तो अब इतने बिंदुओं पर हम लोगों को चर्चा करनी है, उसमें जहां पर हम अपने आप को प्रोटेक्टिव या कंजर्वेटिव उपाय अपना सकते हैं, तो मानव क्या कर सकता है? मानव ये काम नहीं करेगा, और जब ये काम नहीं करेगा तो जितनी कोरल कॉलोनीज होंगी उन कोरल कॉलोनीज को कंजर्व किया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा महासागरीय जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र, मैरीन बायोडायवर्सिटी कंजर्व्ड एरिया। और महासागरीय जैव विविधता संरक्षित क्षेत्रों के बाद जब हम लोग करेंगे तो वो पर्यावरण पारिस्थितिकी का मुद्दा होगा, यानी इससे अगर निपटना है। बाकी अगर ये सभी नेचुरल फैक्टर्स हैं तो इनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर देखा जाए तो जो ब्लैक बैंड डिजीज होती है, कोरल्स पर काले रंग की पट्टियां बन जाती हैं, वह एक फंगल डिजीज है। प्रवालों में ब्लैक बैंड डिजीज, बैंड मींस पट्टियां, ब्लैक बैंड रोग कवकों द्वारा, कवक मींस फंगस फंजाई द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये प्रश्न प्री में पूछ लेते हैं कि ब्लैक बैंड डिजीज किन में होती है, तो ये कोरल्स में होती है। और कोरल्स में इस ब्लैक बैंड डिजीज को उत्पन्न कौन करता है? दीज आर द फंगस, तो फंजाई कॉज द ब्लैक बैंड डिजीज। काले रंग की पट्टियां सी बन जाती है। और कभी कभार बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं कोरल्स की, जो उसमें एल्गी उपस्थित हैं उनको मार देते हैं जीवाणु। प्रवालों में महामारी एपिडेमिक नाम सुना होगा, उत्पन्न करते हैं जिससे कोरल का विनाश हो जाता है। और रंग उड़ने का मतलब है कि जो कोरल में रंग प्रदान करने वाला कारक है वो है शैवाल यानी एल्गी, उसकी मृत्यु होना। तो इस तरीके से प्रवालों में ब्लैक बैंड रोग कवकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा जो मानव होता है, जैसे ऑयल स्पिल हो गया, सागर की सतह पर तेल का बिखराव हो गया, तो तेल के बिखराव से भी कोरल कॉलोनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तेल बिखराव एवं परत निर्माण से प्रवाल कॉलोनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑयल स्पिल, ऑयल फिल्म कॉज एडवर्स इफेक्ट ओवर द
कोरल कॉलोनीज, ये दोनों तरह के, क्योंकि जब ये तेल की परत ऊपर बन जाती है तो ऑक्सीजन की मिलावट जल में नहीं हो पाती और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए इन कॉलोनी को, तो अन्य जीव जंतु भी कॉलोनी से भागने लगते हैं और यहां तक कि जो स्पिल से जो कोरल कॉलोनी का अपना पारिस्थितिकीय संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। अब बात आती है जलवायु परिवर्तन, ये तो हम लोगों ने जैविक कारक के बारे में खास खास पॉइंट नोट कर लिए, जिससे कि अगर हमारा 125 शब्द का या 200 शब्दों का क्वेश्चन आए तो उस पर हम अपना कंटेंट लिख सके। अब बात आती है क्लाइमेट चेंज, तो जलवायु परिवर्तन, तो ये कौन से कारक हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तरीके से ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की हमने बात की है, क्योंकि वहां अगर आप हेडिंग डाल के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जैविक कारकों के अंतर्गत ये पॉइंट्स लिखेंगे। जैविक कारकों द्वारा प्रबल विरंजन, अब बात आती है जलवायु परिवर्तन द्वारा, अब जलवायु परिवर्तन में तो महासागर में जो जलवायु परिवर्तन के लिए है मुख्य कारक वो कौन सा है, कैसे जान पाते हैं कि महासागर में क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो वहां वर्षा की तो बात होगी नहीं, वहां जो मुख्य बात होगी वो टेम्परेचर की, और टेम्परेचर के अनुसार वहां पर लवणता में परिवर्तन, तो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, या आप कह सकते हैं जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर, ये भी हेडिंग लिख सकते हैं। तो जो यहां जो जलवायु कारक होते हैं महासागर में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे मुख्य है वो क्या है, तापमान, टेम्परेचर चेंज, और दूसरा होगा सैलिनिटी चेंज, तो एक तो तापमान में परिवर्तन हो जाए तब महासागर की जलवायु में अंतर आ गया, या फिर वहां पर सैलिनिटी में चेंज हो जाए तब महासागर में परिवर्तन आ गया। तो इतने सब बातों पर अब टेम्परेचर चेंज में अगर हम बात करें तो ताप परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो ताप वृद्धि हो जाए और दूसरा ताप में कमी आ जाए। ताप में कमी को ताप अवनमन कहते हैं। तो अगर टेम्परेचर राइज हुआ है सागरीय जल का फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ है, तो अब इनमें जब अगर टेम्परेचर डिक्लाइन होता है तो जो कोरल्स होंगे उन पर इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो टेम्परेचर राइज का, यानी कि टेम्परेचर डिक्लाइन ये कोई कारक नहीं हो सकता, तो इस संभावना में से इसको हमने काट दिया। अब सैलिनिटी चेंज, तो सैलिनिटी में भी दो चीजें हो सकती है, लवणता परिवर्तन में भी, तो लवणता परिवर्तन में भी या तो लवणता वृद्धि होगी, राइज इन सैलिनिटी, दूसरा डिक्लाइन इन सैलिनिटी, तो अगर लवणता में वृद्धि हुई है तो ये कारक है प्रभावी, लेकिन अगर लवणता में कमी आई है तो ये भी प्रभावी नहीं है।
तो जो टेम्परेचर चेंज है, अगर इन सबको हम देखें तो ये कौन चेंज ला रहा है, तो जलवायु कारक में जो प्रवाल विरंजन के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक हो गए वो कौन से हो गए, राइज इन टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। क्योंकि एग्जैक्ट प्रीलिम में पूछ लिया जाता है और पीसीएस में एग्जैक्ट ऑप्शन तक पहुंचना ये एक होशियारी की बात होती है, तो एनालिसिस की जरूरत होती है। तो सागरीय जल के तापमान में वृद्धि, दूसरा फैक्टर क्या बताया, राइज इन सैलिनिटी ऑफ सी वॉटर, ये इसका परिणाम है। तो सागरीय लवणता में वृद्धि, सी सैलिनिटी में वृद्धि, अगर इन दोनों को हम देखें तो कह सकते हैं कि तापमान अगर बढ़ा दो तो ये दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। तो इसके दो कारक हो सकते हैं, एक तो हम लोगों ने जो इससे पहले वाले लेक्चर पे पढ़ा था अल नीनो, और दूसरा जो बहुत चर्चित फैक्टर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये एक दीर्घकालिक प्रभाव है, लगातार धीरे धीरे चल रहा है। अल नीनो रिवर्सिबल इफेक्ट है, यानी कोरल ब्लीचिंग अल नीनो के द्वारा बड़ी तेजी से हो सकती है और फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेते हैं, रिप्लेनिशमेंट भी उनका हो जाता है, क्षतिपूर्ति भी हो जाती है, इसीलिए ये इतना घातक नहीं होता फॉर द टाइम बीइंग। समय के लिए, एक समय के लिए अल नीनो ज्यादा घातक है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके जो इफेक्ट हैं वो इररिवर्सिबल हैं, अनुत्क्रमणीय हैं, जल्दी से वो बैक नहीं होंगे जब तक कि पुनः ये ग्लोबल कूलिंग जैसी प्रोसेस ना शुरू हो जाए। तो अल नीनो और वैश्विक ऊष्मन, इसके द्वारा दुनिया भर में जो है राइज इन टेम्परेचर की बात हो रही है और राइज इन सैलिनिटी की बात हो रही है। और इसका एक और बहुत तीव्र प्रभाव जो आप लोग देखते हैं वो क्या क्या है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आइस कैप्स पिघलते हैं जिससे समुद्र जल स्तर में परिवर्तन होता है, वैश्विक ऊष्मन के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है, ये भी आप सबने सुन रखा होगा। तो राइज इन सी लेवल takes place due to global warming। और कल हमने बताया था कि डेली ने अपना सिद्धांत दिया है कि अगर कोरल्स वर्टिकल हाइट करते हैं और उसी के साथ अगर सी लेवल और ऊपर उठ जाए तो कोरल्स और वृद्धि करते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में वृद्धि हो तो कोरल ब्लीचिंग होगी, लवणता में वृद्धि हो तो कोरल ब्लीचिंग होगी, लेकिन राइज इन सी लेवल से कोरल ब्लीचिंग नहीं होती क्योंकि अब कोरल्स को और अधिक ऊपर की ओर बढ़ने के लिए उपयुक्त गहराई मिल जाती है। तो वैश्विक ऊष्मन के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है किंतु समुद्र जल स्तर से प्रवाल विरंजन नहीं होता। किंतु जल स्तर वृद्धि से प्रवाल विरंजन नहीं होता, बट ड्यू टू राइज इन सी लेवल
does not cause coral bleaching. Coral bleaching. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला यहां पर. अगर ये प्रश्न बन जाए आप लोगों से प्रीलिम्स में कि वैश्विक ऊष्मन का कौन सा प्रभाव प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जरा लिख लें. अच्छा क्वेश्चन हो गया. विच वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट द कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग. निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊष्मन या भूतापन प्रभाव प्रवाल विरंजन नहीं करता? देन ऑप्शन ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ सी वॉटर सागरीय जल की ताप वृद्धि और तापमान अगर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कितनी अनुकूल टेम्परेचर रेंज है, तो इनके लिए केवल 1 डिग्री सेल्सियस की अनुकूल टेम्परेचर रेंज है. टेम्परेचर 20 और 21 के बीच वेरी होता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 21 से ऊपर गया तो वो हानिकारक होगा. तो सागरीय जल की ताप वृद्धि. सेकेंड, अभी आपने पढ़ा है राइज इन सैलिनिटी सागरीय लवणता में वृद्धि. राइज इन सी सैलिनिटी सागरीय जल का गंदला होना. टर्बिडिटी इनटू सी वाटर सागरीय जल का गंदला होना. उसमें गंदगी आ जाए. डी राइज इन सी लेवल समुद्र जल स्तर में वृद्धि. तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर ये कोस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर यहां कोरल्स मौजूद हैं और ये कोरल्स ग्रो करते हुए यहां तक आ चुके हैं, ये सी लेवल है. अब पता लगा कि ये सी लेवल अगर ऊपर उठ जाए, मान लो यहां के बजाय ये यहां आ जाए, तो अब यहां कोरल्स का फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा. इसलिए यहां पर हम कोरल ब्लीचिंग की बात नहीं कर सकते हैं. तो यहां पर राइज इन सी लेवल जो होता है वो प्रवालों में वृद्धि करा देता है.
बाकी जो इफेक्ट होते हैं वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के वो प्रबल विरंजन के लिए उत्तरदायी हैं। और हम लोगों ने अल्लीनो को भी पढ़ा है, अल्लीनो से टेम्परेचर राइज हो सकता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगर अल्लीनो से टेम्परेचर बढ़ा तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। ऑयल स्पिल से कोरल कॉलोनी असंतुलित हो जाती है और उसके पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाते हैं। तो मान लो सबसे पहले मछलियां मरने लगेंगी, और जब मछलियां मरेंगी तो वहां पर पोषक तत्व यानी कि ह्यूमस वगैरह की अधिकता हो जाएगी, जिससे कि कोरल कॉलोनी में जो कोरल के अंदर जो एल्गी बैठे हैं और जो उसके जो बाहर सागर में एल्गी हैं उनकी अतिवृद्धि हो जाएगी और यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। और जितना यूट्रॉफिकेशन अगर वहां पर हुआ तो यूट्रॉफिकेटेड वाटर में ऑक्सीजन लगातार कम होती चली जाएगी, और जो पारिस्थितिकी है खासकर वहां का जो प्राकृतिक अधिवास है, तो बहुत सारी जो माइग्रेटरी स्पीसीज होंगी जो आवागमन जिनमें करने की क्षमता है वो इस कोरल अधिवास को छोड़कर भाग जाएंगी और सिर्फ वहां एल्गी दिखाई देंगे। और एल्गी और जो भाग नहीं सकते हैं जिनकी मृत्यु होने लगेगी उनसे जल में और ज्यादा ह्यूमस यानी कि नाइट्रोजन इत्यादि जो पोषक तत्व हैं फास्फोरस वो सब बढ़ने लगेंगे, तो एनपीके के में वृद्धि हो जाएगी। और अगर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वहां बढ़ गए जीव जंतुओं की मृत्यु से तो फिर उस जल में पोषक तत्वों की प्रधानता, यू मींस वेल, ट्रॉफिकेशन मींस पोषक, तो सुपोषण हो जाता है और सुपोषण से अब वहां एल्गी ही ग्रोथ करती है, यानी कि एल्गी को खाने वाले जो वहां जीव जंतु होंगे वो या तो मर जाएंगे या वहां से भाग जाएंगे, जिससे वहां की जैव विविधता का ह्रास होता है। और जब जैव विविधता का ह्रास होगा तो कोरल्स भी जंतु हैं और इनका भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो ऑयल स्पिल भी प्रबाल विरंजन के लिए उत्तरदायी है, राइज इन टेम्परेचर भी है, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो उत्तरदायी है। तो पूरा जो कंक्लूजन ये निकला कि प्रबाल विरंजन के लिए केवल अल्नीनो और ग्लोबल वार्मिंग ही उत्तरदायी नहीं है, जैविक कारक भी उत्तरदायी है। तो इन सबको अब अगर प्रश्न मेंस का दिया जाए कि उन कारकों का उल्लेख करो जो प्रबाल विरंजन के लिए उत्तरदायी हैं, तो अगर आपको हमने सिंपल सा मेंस के अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया है 125 शब्दों का कि प्रबाल विरंजन क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग प्रबाल विरंजन क्या है, मेंशन द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इट, इसके लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। अब आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रबाल विरंजन क्या है, तो प्रबाल के रंग बिरंगे समूहों से इन रंगों का तिरोहित होना, उनकी समाप्ति होना ही कोरल ब्लीचिंग है। और इसके लिए 2 प्रकार के कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, कौन कौन से कारक, जलवायवीय कारक और जैविक कारक। अब आप उनको 125 शब्दों में लिख देंगे। तो अब फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, राइज इन टेम्परेचर है, सेलिनिटी है, एंड ऑयल स्पिल एंड ऑयल फिल्म। तो कितने कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं? तो अब आप कोरल ब्लीचिंग को हम यहाँ एक लाइन में बोलेंगे, जब हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, बहुत कम शब्दों में भी इसे हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं।
आप लोग अब इसे बड़ा कर लेंगे, तो एक लाइन में अगर हम कह दें डीपिगमेंटेशन ऑफ द कोरल्स, डीपिगमेंटेशन ऑफ द कोरल्स, इज कोरल ब्लीचिंग। ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अभ्यास करना, सेंटेंस पूरा बनाना आप लोग अब सीखें, क्योंकि यही आपकी मेंस की आर्ट होगी कि आप अपनी बात को कैसे कह पाते हैं। तो डीपिगमेंटेशन ऑफ द कोरल्स, दूसरी हमने बात बताई, तो व्हाट आर द कॉजेस, तो कॉजेस मे बी आइदर द नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, तो दीज देयर द कॉजेस मे बी आइदर नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक, तो ये या तो प्राकृतिक कारक हो सकते हैं या फिर मानव जनित कारक हो सकते हैं। तो प्रवालों में जो वर्ण हैं उनका समाप्त होना, प्रवालों के वर्णों अथवा रंगों समाप्त होना ही प्रवाल विरंजन है, हो गया। अब इसके जो हमने कारण बताए, तो कारण हो गए जो इसके कारक हैं, वो कारक दो हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक या मानव जनित। किसी भी कारण से क्या हो जाए, तो कौन कौन से कारक हैं, तो राइज इन टेम्परेचर लिखा चुके हैं, राइज इन सैलिनिटी चाहे प्राकृतिक रूप से हो या मानव के द्वारा हो। अब ये ऑयल स्पिल, ये तो मानव के द्वारा ही है, एंड ऑयल फिल्म ऊपर तेल की पतली परत बन जाती है, तो राइज इन टेम्परेचर, राइज इन सैलिनिटी, ऑयल स्पिल एंड ऑयल फिल्म, ये मुख्य कारक हो गए। अब इन दो के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो आइदर दे मे बी कॉज्ड बाय द अलनीनो, इससे किसी क्षेत्र विशेष में सागरीय सतह में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जहां पर कोरल्स पाए जाते हैं वहां पर अलनीनो का भी इफेक्ट पड़ता है, तो अलनीनो और ग्लोबल वार्मिंग। अब आप इन बिंदुओं पर लिखेंगे। अब बात आती है कि कैसे पता लगता है तो को कि यहां ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो इसके सर्वे के लिए हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक सेंटर बताया था, टाउन्स विले, और पूरे दुनिया भर के प्रवालों में प्रवाल विरंजन हुआ या नहीं हुआ और कितनी उनकी क्षतिपूर्ति हुई, इसके लिए एक पूरी वैश्विक स्तरीय वर्ल्ड लेवल का एक सिस्टम नेटवर्क है, और उस सिस्टम नेटवर्क का नाम होता है, कौन ऑब्जर्व करता है, यह है GCRMN, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये है। तो GCRMN का काम क्या है कि यह प्रवाल विरंजन, उसकी क्षतिपूर्ति इत्यादि का आकलन करता है, एस्टिमेट्स, ये क्या क्या आकलन करता है, कोरल ब्लीचिंग, लेवल कितने स्तर की हुई है, दूसरा जो यहां है रिप्लेनिशमेंट और रिजेनरेशन, क्योंकि लिविंग बीइंग है तो शब्द का प्रयोग करेंगे, रिजेनरेशन ऑफ कोरल्स, और कोरल कितना हेल्दी है, कितना सुखी है, तो उतना ही कहा जाता है पिगमेंटेशन ऑफ द कोरल्स, रीपिगमेंटेशन ऑफ द कोरल्स, बस शब्दों का खेल है, यही सीख जाइए, तो रीपिगमेंटेशन ऑफ द कोरल्स,
इन दोनों की जानकारी यही संगठन प्राप्त करता है और उसके आधार पर ये बताता है कि किसी क्षेत्र में कोरल ब्लीचिंग का स्तर यानी लेवल कितना है। तो लो इंटेंसिटी है कोरल ब्लीचिंग की, या मॉडरेट इंटेंसिटी है कोरल ब्लीचिंग की, या फिर हाई इंटेंसिटी है कोरल ब्लीचिंग की। तो इस आधार पर हम कोरल ब्लीचिंग के तीन प्रकार या तीन स्तर बताते हैं। तो लिख लें कोरल ब्लीचिंग के थ्री लेवल्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन के तीन स्तर कौन कौन से हैं। तो पहला स्तर क्या हुआ, लो इंटेंसिटी, निम्न तीव्रता वाला, तो निम्न तीव्रता वाला क्या होता है, करीब 20% कोरल्स ब्लीच्ड हो जाते हैं, लगभग 20% कोरल विरंजित हो जाते हैं, अबाउट 20% कोरल्स गेट ब्लीच्ड, लगभग 20% प्रवाल विरंजित हो जाते हैं। लेकिन ये जो कमी आई 20%, वह मौसमी या कुछ महीनों के लिए होती है और साल के अंत तक यह क्षतिपूर्ति हो जाती है। यस, बाय द एंड ऑफ द ईयर दिस लॉस इज रिपेयर्ड बायोलॉजिकली और नेचुरली। तो स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से जो साल का अंत होते होते ये क्षतिपूर्ति हो जाती है और वर्ष भर में या साल भर में प्रवाल विरंजन की क्षतिपूर्ति हो जाती है। ये तो निम्न तीव्रता वाला वो होता है ऐसे क्षेत्र जहां 20% तक प्रवाल यानी कोरल कॉलोनी ब्लीच्ड हो गई है, लेकिन साल के अंत तक ये अपने नैसर्गिक वृद्धि दर के द्वारा, कोरल ग्रोथ के द्वारा उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर लेते हैं। तो मौसमी परिवर्तन या ऋतुवतीय परिवर्तन इन सब के द्वारा होता रहता है, या जैसे हमने कहा कि अलनीना है तो अलनीना के द्वारा भी ये होता रहता है। तो इस तरह का जो प्रवाल विरंजन होता है यह क्षेत्रीय और वहां के सागरीय ताप परिवर्तन या जलवायवीय कारकों द्वारा चलता रहता है। यह विरंजन सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न हुए अस्थायी प्रभावों के कारण होता है। तो दिस टाइप ऑफ कोरल ब्लीचिंग इज कॉज्ड बाय टेम्पोरेरी effects into sea ecology
तो सागरीय क्षेत्र या सागरीय पारिस्थितिकी में अस्थायी प्रभावों के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल नीनो इफेक्ट। तो अल नीनो इफेक्ट से प्रवाल विरंजन हमेशा के लिए नहीं हो जाता, यह टेम्पोररी है, लो इंटेंसिटी है। लेकिन अगर अल नीनो लंबे समय तक रुक जाए, इफ द अल नीनो स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड, इन दैट केस इट मे मीन्स इट मीन्स कोरल ब्लीचिंग मे अफेक्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड, एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर कॉल्ड द मॉडरेट। उस पर बात हम लोग बाद में करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अल नीनो इफेक्ट। दूसरा और क्या हो सकता है? द पैथोजेंस इफेक्ट, कहीं से कोई बीमारी वगैरह आ गई और पैथोजन यानी परजीवी वहां पहुंच गए हैं। तो एक तो कारण हमने आपको अल नीनो बताया, या परजीवी पहुंच जाए जो कि कोरल कॉलोनी को नष्ट करने लगे, पैथोजेनिक इफेक्ट आ जाए। और परजीवी आप जानते हैं जीवाणु और कवक, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस, ये हो सकते हैं। अब बात आती है किसकी? मॉडरेट नंबर टू लेवल, मॉडरेट इंटेंसिटी। तो मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि अब कोरल कॉलोनी के जितने सदस्य हैं, कम से कम 40% सदस्य जो है वो प्रवाल विरंजन से प्रभावित हो जाते हैं। एटलीस्ट 40% कोरल्स गेट ब्लीच्ड। कम से कम 40% कोरल्स विरंजित हो जाते हैं। अब इसका मतलब है कि जो कोई एडवर्स इफेक्ट यहां आया है वो टिकाऊ है। अब इन चीजों पर हमने आपको लंबा समय दे दिया क्योंकि पर्यावरणीय जागरूकता बहुत ज्यादा है। अब वो पहले वाला ट्रेंड की सैलिनिटी पीपीटी में नापते हैं, कोरल्स बायो इंडिकेटर होते हैं, वो जो हेडिंग जैसी हम लोग पढ़ लेते थे, पॉइंट्स में पढ़ लेते थे, प्रश्न अभी भी वहीं से आ रहे हैं लेकिन थोड़ा एनालिसिस बेस्ड आ जाते हैं। एनालिसिस को बहुत सटीक ढंग से अगर पकड़ना है तो मेंस का क्वेश्चन लिखिए, लेकिन मेंस के क्वेश्चन पर प्रीलिम्स जैसे कुछ क्वेश्चन जरूर बना लीजिए, जिससे हमें यह पता रहे कि मेंस में हमें कौन सी चीज लिखनी है और कौन सी चीज नहीं लिखनी है। तो ये जो अप्रोच जो राइटिंग एबिलिटी की होती है, इस पर हमारे निगेटिव मार्क्स आते हैं। जैसा कि हमने आपको उधर बताया था कि राइज इन सी लेवल, ये भी ग्लोबल वार्मिंग से होता है, लेकिन अब आप उसको लिख देंगे कि राइज इन सी लेवल से कोरल ब्लीचिंग हो गई, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इन्होंने बस रटट लिया है और कुछ समझा समझा नहीं है कि क्या है। और उधर वाला चैप्टर आपने कतई नहीं पढ़ा है, जब हमने आपको तीन सिद्धांत बताए कि सब्सिस्टेंस हो जाए तली नीचे चली जाती, कोरल्स ग्रो करते हैं। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत कि जब साफ दुनिया भर की बर्फ जो पहाड़ों पर या ध्रुवों पर है, आइस कैप्स हैं, दे गेट थॉ मींस द मेल्टेड डाउन, वो जब पिघल जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ द लिक्विड वाटर फ्रॉम द सरफेस रन्स टुवर्ड द सी, जिससे कि सतह से बहुत सारा तरल जल जो है वो बहता हुआ सागर में पहुंचता है। पहले सॉलिड वाटर था, दैट वाज द आइस, दैट हैज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट एंड थ्रू द ड्रेनेज पैसेज इज रीचेज इनटू द सी, और ये अपवाह मार्गों के द्वारा, नदी मार्गों के द्वारा होता हुआ सागर में पहुंचता है और बड़ी मात्रा में बहुत सारा तलछट, गंदगी, टर्बिडिटी ये भी पहुंचाता है सी लेवल। लेकिन ये टर्बिडिटी वगैरह वहीं नदी मुहानों पर डेल्टा के आसपास रुक जाती है, लेकिन दूर स्थित कोरल, क्योंकि कोरल तो पहले ही नदी मुहानों पर नहीं है, दे डोंट लाइक टू फेस द रिवर माउथ। कोरल से नदी मुहाने का सामना करना पसंद नहीं करते, बिकॉज रिवर डिबाउसेस द फाइन सेडिमेंट्स और साल्ट इनटू सी, क्योंकि नदी सागर में महीन कणों को गिराती रहती है। एंड दीज फाइन पार्टिकल्स गेट इजली एंटर इनटू द फाइन पोर ऑफ द कोरल
पॉलिप, तो कोरल का जो पॉलिप है, जो सिंगल बॉडी है, उसके अंदर महीन महीन छिद्र होते हैं, उसमें बैठ जाता है। यानी वाटर का एग्जिट एंट्री कोरल की संरचना के अंदर रोक देता है। वो सारी बातें हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इस समय महत्व दिया जा रहा है, तो हम लोग उन चीजों पर ज्यादा हमेशा फोकस करते रहें जो कि चर्चा में रहती है। तो जलवायु संचेतना मींस द क्लाइमेटिक अवेयरनेस, हम कितने अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, सचेत हैं और वैज्ञानिक पद्धति और मानकों का अनुसरण कर रहे हैं, यही हमारा यहां जीएस का मुख्य ध्येय है। इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, द आउटलाइन, एक्चुअली यही आउटलाइन है जो तय करती है कि हमारी तैयारी ऑन द ट्रैक है या ऑफ द ट्रैक है। तो वास्तव में हमको ऑन द ट्रैक रहना है, पढ़ना उतना है, तो करंट को खूब मात्रा में पढ़ते रहें, जहां से हो सके उतनी करंट की सूचनाएं दिमाग में जाने दिया करें। अब उनकी व्याख्या करने की जब कोशिश करेंगे तो व्याख्या साहब हमेशा मौलिक सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल पर होनी चाहिए, ना कि किसी नए रिसर्च पेपर के आधार पर, और यही लोग गलत कर लेते हैं और अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। इसलिए चुटकी भर समावेश हमें एनसीईआरटी और फंडामेंटल से लाना है, जैसे खाने में नमक, फिर साफ टेस्टी है, और जब हम नमक ज्यादा कर देते हैं तो फिर स्वाद उड़ जाता है, फिर वो अच्छा नहीं रहता, डिस्पाइट द ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रेसिपी आर प्रेजेंट इन इनॉर्मस अमाउंट। कितना भी बढ़िया आप सब्जी बनाए, नमक ज्यादा कर दे तो बिगड़ जाता है, थोड़ा कम है तो चल जाता है। ठीक यही बात यहां पर है कि हमें पूरा करंट ओरिएंटेड पढ़ना है, और पुराने क्वेश्चन भी पीसीएस में रिपीट होते हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ना है। तो हमें चीजों को बेसिक से पढ़े, करंट की जो समस्याएं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल, तो एटलीस्ट 40% कोरल्स गेट ब्लीच्ड, 40% कम से कम ब्लीच हो जाए। कोरल ब्लीचिंग की क्षतिपूर्ति करने में कम से कम 3 वर्ष का समय लग जाए, टाइम टेकन टू रिपेयर द कोरल ब्लीचिंग इज नॉट लेस देन 3 इयर्स, 3 साल तक लग जाएं। अगर तब भी हो रही है तब तक हम इसे मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ कोरल ब्लीचिंग कहेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाए, अब्रप्ट राइज इन सी लेवल, सॉरी अब्रप्ट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सी, सागर में अचानक ताप वृद्धि हो जाए, अल नीना बहुत प्रभावी हो जाए, या अगर ये देखा जाए कि और कौन सा इफेक्ट है, जैसे कोई ऐसा पैथोजन या बैक्टीरिया पहुंच जाए, ऑयल स्पिल हो जाए, तो मेनली इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं दे आर कॉज्ड बाय द, फॉर एग्जांपल, तो इस तरह का जो कॉज है इट इज द ऑयल स्पिल, ये तेल का बिखराव है, तो कम से कम 40% प्रवाल विरंजित हो, प्रवाल विरंजित हो जाए, 100 अगर पॉलिप हैं तो 40 तो हो ही जाए, और उसकी क्षतिपूर्ति में 3 वर्ष से कम का समय ना लगे। क्षतिपूर्ति समय कम से कम 3 वर्ष हो, ये है। और इसके लिए मेनली जो उत्तरदायी कारक है वो है ऑयल स्पिल, ये बहुत कॉमन शब्द है, ऑयल स्पिल, तो ऑयल स्पिल हो जाए
तेल का भी खराब हो जाए। ये अब बात आती है कि हाई इंटेंसिटी नंबर 3 लेवल, तो ये तो मध्यम तीव्रता का स्तर था जिसे हमने आपको डिफाइन किया। और ये हो गया हाई इंटेंसिटी उच्च तीव्रता। हाई इंटेंसिटी, तो हाई इंटेंसिटी का जब होगा तो एटलीस्ट 60% कोरल्स आर डैमेज्ड और ब्लीच्ड कम से कम 60% कोरल्स क्षतिग्रसित हो जाएं या विरंजित हो जाएं, और इनका जो रिपेयर का टाइम है वो लंबा हो, वेरी लॉन्ग टाइम। इज टेकन टू रिपेयर इट, बहुत लंबा वक्त यहां पर लग जाए। तो ये जो मेनली होते हैं ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं एक्चुअली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में तो दैट इज राइज इन टेम्परेचर, राइज इन सैलिनिटी, ये जल्दी से रिवर्स नहीं होते। और इन कई ऐसे दुनिया में समूह हैं जहां पर ये चीज देखी गई है। तो पता लगा कि या तो 20% है, ये पता लगा 90% कोरल ब्लीचिंग हो गया लेकिन साल भर में ये रिपेयर हो गया। इसीलिए यहां कभी भी अधिकतम शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, शब्दावली का प्रयोग किया गया है अबाउट या एटलीस्ट 20%। तो अबाउट और एटलीस्ट अगर हमें दिखना है तो हम यहीं से इन सबको शुरू कर देते। तो कैसे जाजा के साइंटिस्ट वहां देखें या सैटेलाइट से, जैसे ओशन सेट होते हैं उनमें कलर थीमेटिक कैमरे लगे होते हैं, कलर सेंसर्स होते हैं, तो कलर सेंसर्स के द्वारा हम कोरल ब्लीचिंग का अनुमान लगा लेते हैं। तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी है पर्टिकुलरली द ओशन सेट्स आर वेरी हेल्पफुल टू मेजर द कोरल ब्लीचिंग एंड इट्स रीजेनरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि ओशन सेट वगैरह जो होते हैं वो ओशन सेट महासागरीय जो उपग्रह हैं, सेट मीन सैटेलाइट, इज हेल्पफुल टू मेजर द कोरल ब्लीचिंग एंड इट्स रीजेनरेशन। ये है तो किस तरह के होते हैं ओशन सेट, ये पृथ्वी सतह का पिक्चर या फोटो लेने वाले उपग्रह होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और अगर भारतीय उपग्रह हैं तो इन्हें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, वो सब बातें साइंस टेक पर आप पढ़ेंगे, यहां ज्योग्राफी में सिर्फ नाम जान लिया। तो ये ओशन सेट है जो मेजर करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ओशन सेट नाम है, इसको हिंदी नहीं करेंगे, क्या है ये कृत्रिम उपग्रह है, मानव अंतरिक्ष में स्थापित करता है प्रवाल विरंजन। तथा उसकी क्षतिपूर्ति के आकलन करने में सहायक है। ये है
कहां से ये शुरू होती है, कौन करता है, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, तो हमने आपको बताया था इट इज GCRMN एंड दिस GCRMN हेडक्वार्टर इज लोकेटेड टाउन्सविले। इसको पहले वाले लेक्चर में ही हमने इसे शामिल कर लिया था, मैप पर भी आपको दिखा दिया था TOWNS टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया के। अब यहां से सारे हमारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी का मुद्दा आता है कि साहब जैव विविधता के लिए जो कोरल कॉलोनी होते हैं वो बहुत संपन्न होते हैं, और कोरल में जरा भी अगर कुछ टेम्परेचर वगैरह बदला तो तुरंत पता लग जाता है कि समथिंग इज निगेटिव और एडवर्सिव इज गोइंग ऑन इन दिस इकोलॉजी, और इस पारिस्थितिकी में कुछ नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है या हो रहा है। इसीलिए महासागरीय पारिस्थितिकी के लिए प्रभावों को बायो इंडिकेटर कहा जाता है। तो कोरल्स आर बायो इंडिकेटर, क्योंकि जीव हैं ये, जैव सूचक हैं ऑफ सी, को मैरीन भी कहते हैं, मैरीन इकोलॉजी। अब इस पर कितना बढ़िया क्वेश्चन यहां हम देते हैं तो आप लोगों को हंसी भी आएगी, जिसको आ जाएगा और वो कहेगा बहुत सिंपल है, बहुत आसानी है। तो हमने ये कहा कि किस महासागरीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए प्रवाल जैव सूचक की भांति कार्य करते हैं। जरा एक प्रश्न लिख लें, किस महासागरीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए प्रवाल जैव सूचक हैं, अब जैव सूचक तो सबने रट रखा है, आ चुका है प्रश्न, लेकिन अब ये थोड़ा इसमें बेसिक मिला देते हैं। देखो कितना बढ़िया प्रश्न बन गया, फॉर विच मैरीन रीजन कोरल्स आर बायो इंडिकेटर, किसके लिए कोरल्स जैव सूचक हैं, तो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल डीप सी गहरे उष्णकटिबंधीय सागर, बी सैलो ट्रॉपिकल सी या ट्रॉपिकल सैलो सी छिछले उष्णकटिबंधीय सागर, पोलर सैलो सी छिछले ध्रुवीय सागर डी ऑल द सी फ्रॉम पोल टू इक्वेटर
in any ocean, किसी महासागर के सभी सागर जो ध्रुव से लेकर विषुवत रेखा तक स्थित हैं, ध्रुव से विषुवत तक स्थित हैं, अब सबने रट रखा होता है कि साहब ये वायु इंडिकेटर हैं, जैव सूचक हैं, का तो सभी सागरों के लिए होंगे? नहीं, सभी सागरों के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि कोरल्स तो ट्रॉपिकल में ही मिलते हैं, और ट्रॉपिकल में कहां मिलते हैं? जहां गहराई 100 फैदम से ज्यादा है वहां पर ये लागू नहीं हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल सेलो सी। ये है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस नए तरीके से पढ़ना है, यानी रटना नहीं है, ताकि एक ही अटेम्प्ट अगर हम दें तो वो सफिशियंट हो। तो मरो तो अच्छे से मरो ना, स्वर्ग में ले, थोड़ा थोड़ा क्यों मरते। तो किसी महासागर के सभी सागर, जो ये ऑप्शन गलत है, गहरे सागरों में होते नहीं हैं, नदी मुहानों पर होते नहीं हैं, यानी इस प्रश्न में उन भौगोलिक जो दशाएं होती हैं उनका भी अगर आपको ज्ञान है तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। और इस तरह अब इस समय यूपीपीसीएस में इस तरह के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। लोग कहते हैं वही कोरल ब्लीचिंग आया था। अच्छा, कोरल ब्लीचिंग तो आया था, लेकिन जो प्रश्न पहले आ रहा था उससे थोड़ा ये इतर है, थोड़ा उससे अलग है। तो वी हैव टू मेजर द डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी टू प्रिपेयर फॉर द स्टेट सर्विसेज। तो जब हम यहां पर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, और अलर्टनेस जो होती है वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक मौलिक गुण माना जाता है, दैट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। हम सोते रहेंगे तो क्या मतलब है, तहसील जिला सब लूट जाएगा। चलिए अब हम लोग कोरल से आगे हटते हैं, दैट्स ओवर। अब बात आती है, पढ़ना है सी वेव्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सागरीय तरंगे। और अब यहां कुछ छूटेगा नहीं, ये एक बड़ा टॉपिक है, सागरीय तरंगे, सी वेव्स। अब सी वेव्स को हम लोग कितने प्रकारों में बांटेंगे यही समझना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अब इसमें कितनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बचपन से सुनते चले आते हैं, ज्वारभाटा, टाइड्स, ज्वार तरंगे, दूसरा और आपने सुना होगा कौन सा, सुनामी। ये तो बहुत पॉपुलर हैं, इनको इसीलिए पहले ले रहे हैं। और दूसरी जो रेगुलर या डेली वेव्स होती है, रेगुलर और डेली वेव्स, तो हम लोगों ने तीन कैटेगरी में इनको बांट लिया है। तो पहली जो कैटेगरी यहां बनाई है वो कौन सी बनाई है, वो है टाइड्स यानी ज्वार। इन पर सुनामी, ये भी एक टॉपिक है। रेगुलर वेव्स में कई नाम आ जाते हैं, जैसे स्वेल, ब्रेकर वेव्स, इनकी भी साथ में चर्चा कर लेंगे। अब इनका कंपरेटिव होगा, तो टाइड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? अब आप सबको कारण पता है कि इसका कारण है क्या, ग्रेविटेशनल पुल बाय द मून, चंद्रमा के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल,
मेनली यही है। वैसे सूर्य और चंद्र भी दोनों एक साथ मिलकर के भी ज्वार को लाते हैं, वो कैटेगरी में कर लेंगे, लेकिन जब सामान्य रूप से कहें तो चंद्रमा हमेशा कॉमन रहता है। तो चंद्रमा का, चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल पुल बाय मून, दूसरा सुनामी है, द वाइब्रेशंस एट द सी बेड, सागर तली पर कंपन, भूकंप वगैरह जब आ जाते हैं। और ये है पवनों का वायु परिसंचरण, इसका जो मूल कारण है वो है एयर सर्कुलेशन। तो सागर तले पर कंपन, द वाइब्रेशंस इनटू सी बेड, ये हो गया। तो टाइड्स हो गए, सुनामी हो गए। अब इन सब में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले किसे पढ़ेंगे, टाइड्स यानी कि ज्वार। तो थोड़ा सा चुटकी भर समावेश किसका, फंडामेंटल्स का। तो अब हम लोग ज्वार, टाइड्स ये है। तो ज्वार है क्या, कि अगर हम मान लें कि ये सी कोस्ट है एंड दिस इज द सी लेवल, ये हो गया। अब किसी कारण से यही लेवल का उठना तो इधर उठा उधर ये गिरा, तो इसको बोलते हैं यहां क्या, ये टाइड है और इसको बोलते हैं ऐब है। सुना होगा भाटा, और इसको कह देते हैं ज्वार। तो अप्स एंड डाउन्स इनटू द सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बाय द मून, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा समुद्र जल स्तर में जो रिपीटेड अप्स एंड डाउन्स होते हैं उन्हीं को हम टाइड्स कहते हैं। तो जरा लिख लें, रिपीटेड अप्स एंड डाउन्स into sea level mainly लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कारक भी यहां सहायक हो जाते हैं, mainly due to gravitational pull by the moon। At sea surface, तो सागरीय सतह पर चंद्रमा के मुख्यतया, चंद्रमा के मेनली कहा है ना, तो मुख्यतया गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण सागरी सतह पर मुख्यतया चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न उतार चढ़ाव अप्स एंड जो डाउन्स हैं,
कर्षण के कारण उत्पन्न उतार चढ़ाव एवं उनकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन ही ज्वार तरंगे हैं। तो रिपीटेड अप्स एंड डाउन्स इनटू सी लेवल मेनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बाय द मून एट द सी सरफेस आर द टाइडल वेव्स। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, यही ज्वार तरंगे हैं। अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स से मदद लेते हैं। तो दिस इज द मून, रिलेटिवली स्मॉलर देन द अर्थ, दिस वन इज द अर्थ। बोथ आर द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, दोनों खगोलीय पिंड हैं एंड दे आर रोटेटिंग एट दियर एक्सिस, और दोनों अपनी अपनी धुरी पर ये घूर्णन कर रहे हैं। और जब घूर्णन करते हैं तो फिर जो गुरुत्वीय खिंचाव होता है, तो इनके पास भी एम मास है और इसके पास एम मास है, कैपिटल एम मास है, बिकॉज मास से एंड साइज ऑफ द अर्थ इज रिलेटिवली लार्जर देन द मून। तो मून को स्मॉल एम लिख दिया, अर्थ को कैपिटल एम लिख दिया। तो जब ये रोटेट करते हैं तो रोटेशन से ग्रेविटेशनल पुल ही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बदल जाता है। तो सपोज दैट ये अर्थ है और ये मून है, तो मून का अपना एक इंपैक्ट पड़ेगा, इट वुड बी व्हाट सीपीएफ सेंट्रीपिटल फोर्स इधर मून की ओर, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब सीपीएफ जनरेट होता है तो सीपीएफ के साथ ही प्रतिक्रिया में यहां अपोजिट साइड पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो अब अगर हमने कहा कि मान लो ये अर्थ के सरफेस पर ये वाटर है, तो यहां भी ये वाटर उठ जाएगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द मून, और इधर भी उठ जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मून। सो दिस राइज इनटू द लेवल ऑफ द वाटर, दीज आर द टाइड, ये ज्वार है। तो दो फोर्स की हमने बात करी, कौन कौन से, सीपीएफ ऑफ द मून, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द मून CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मून, तो चंद्रमा का अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कहां से आया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो घूमने से रोटेशन करने के बदौलत उत्पन्न हो गया है, अभिकेंद्रीय बल। चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल, ये है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर हमने ये कहा कि ये अर्थ का, सपोज करो दिस इज द 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो फिर ये तय है कि ये होगा 150 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि चंद्रमा के इस अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के दो विपरीत देशांतरों पर एक साथ ज्वार आते हैं, और ये अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल
चंद्रमा के अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुए। तो आप कहेंगे पृथ्वी भी तो इस पर लगाती होगी। हाँ बिल्कुल लगाती होगी, लेकिन चंद्रमा की सतह पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जलमंडल है। जरा सोचो अगर वहां जलमंडल होते तो वहां कितने ऊंचे ज्वार आते, बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6 times greater to the gravitational force of the moon. पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कम 6 गुना अधिक है। और अगर वहां सागर होता तो जरा सोचिए कितना ऊंचा वहां ज्वार आता। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होता है। तो फिजिक्स में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा होगा कि है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही, और जिसे हम सीपी सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है एम मास वी वेलोसिटी अपॉन आर। आप साहब ये जो आर है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच की दूरी है। हम लोग अच्छे से जानते हैं मून रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण और परिभ्रमण करता है, और ये दूरियां हमेशा एक बराबर नहीं रहती। अगर मून खिसकता हुआ मतलब परिक्रमा करता हुआ पास आ जाए तो किसके पास आ गया, अर्थ के, और अर्थ को जी कहते हैं तो पास को पेरी कहते हैं, तो दैट स्टेट इज नोन एज द पेरिजी। कहने का मतलब ये जो आर है ये वेरी करती रहती है महीने भर। तो जो पूरा चंद्रमास होता है, जो लूनर मंथ होता है, उस लूनर मंथ में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं रहती, और जब दूरी बराबर नहीं रहती तो फोर्स भी हमेशा बराबर नहीं होता, और इसीलिए ज्वार की ऊंचाई भी हमेशा बराबर नहीं होती। अब कई चीजें हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं। एक चीज तो ये समझ में आई कि पृथ्वी के दो विपरीत देशांतरों पर एक साथ ज्वार आते हैं। तो द टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ सरफेस हैव द टाइड्स इन द सेम टाइम ऑफ द क्लॉक। घड़ी के एक ही समय पर यहां दो विपरीत, अगर 30 डिग्री वेस्ट पर आया है तो 150 डिग्री ईस्ट पर भी आएगा ज्वार। अगर 0 degree लॉन्गिट्यूड पर आया है, जीएमटी लाइन पर अगर ज्वार आए हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन पर आए हैं, तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर भी उसी समय ज्वार आएंगे। सो नाउ आई होप यू पीपल हैव कैच दिस कंसेप्ट, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड इज ऑफ द 180 degree। क्योंकि दो विपरीत देशांतरों के बीच का जो अंतर होता है वो 180 degree होता है। दीज आर द वेरी फ्यू बेसिक फंडामेंटल। और हमने कहा था बेसिक फंडामेंटल हम अपने एनसीईआरटी से, साइंस की एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से जरूरत भर का उपाट लाएंगे। वहां तो ज्ञान का भंडार है। That is your biggest permanent account. वो आपका सबसे बड़ा ज्ञान का स्थाई खाता है। और हम लोग सोचते हैं उससे मतलब ना रखें, एक बार पढ़कर फेंक दें। No, this is over confidence and it would be wrong. आप उनको जब जब जरूरत पड़े, तो कहीं अगर साइंस का शब्द प्रयोग हो गया है तो go into the NCERT is related with the science. क्योंकि यहां ये जनरल स्टडी का मैटर है, एंड देयर इज नो बाउंड्री क्रिएटेड बाय द डिसिप्लिन इनटू द टॉपिक ऑफ जनरल स्टडी। और सामान्य अध्ययन में विषय या डिसिप्लिन के अनुसार कोई सीमाएं नहीं होती। आप प्रशासन में होंगे तो आप किसी एक जाति वर्ग या लोगों के लिए अधिकारी नहीं होंगे, आप सबके लिए होंगे, जितना आपका कार्य क्षेत्र है। तो यहां जो आपकी अपनी सोच होनी चाहिए वो संकीर्ण नहीं,
एक तरीके से आपकी सोच व्यापक होनी चाहिए और व्यापक सोच से ही हमें जानकारी बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कहां लिखी है। इसीलिए तैयारी करने के पहले, शुरू करने के पहले आपको एडवाइस किया जाता है कि गो थ्रू द एनसीईआरटी, एकदम थ्रू हो जाइए, देख लीजिए कहां क्या क्या लिखा है। और आप लोग ये समझते हैं, एक एक लाइन रट लीजिए। रटने की जरूरत नहीं है। इन द फर्स्ट रीडिंग आपको साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के या हिस्ट्री जो भी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, सब में पहले यह पता करिए कहां क्या लिखा है। आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और इंस्टीट्यूट में फिर आपको पढ़ाया जाता है, तो वहां पर एक्सपर्ट सब लोग अपने अपने एरिया, ज्ञान, विवेक और कमीशन का जो पैटर्न चल रहा है, ताकि आपका सिलेक्शन कम से कम समय में हो जाए, वो सामग्री एक साथ उपलब्ध कराते हैं। आप ये सोचते हैं बस अब यही पढ़ना पड़े, कम से कम पढ़ना पड़े, यही जो टेंडेंसी होती है कि कम से कम पढ़ना पड़े, यही आपको अधिक से अधिक समय लगवाती है और अधिक से अधिक पढ़वाती है। तो यहां जो हमने बात की, तो यहां साइंस का हमने छोटा सा फार्मूला यूज किया है, तो यहां यह हो गया कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या अभिकेंद्रीय बल है या अपकेंद्रीय बल है जो पृथ्वी पर पड़ता है, तो इसका जो मान होगा वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, इस पर, आर पर। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे कि एम क्या है, मास ऑफ द मून, अर्थ नहीं है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट, मून की अपनी कक्षा में उसका अपना वेग है। फिर आर क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो यहां हमें आर लिख देना है, तो आर क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। पृथ्वी और चंद्रमा के ये जो बीच की दूरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम लोगों के सामने जो एक मौलिक प्रश्न था कि क्या कारण है कि दो विपरीत देशांतरों पर एक साथ ज्वार आते हैं, तो एक साथ ही अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके सामने चंद्रमा है उस पर अभिकेंद्रीय बल, ये वाला जो बल है ये लाता है ज्वार, और जो अपोजिट साइड है वहां पर अपकेंद्रीय बल ज्वार लाता है, और ये दोनों बल एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन वाला इनका संबंध है। लिख लें, चंद्रमा के घूर्णन के कारण, लिख जरूर लें नहीं तो फिर पढ़ना लिखना बेकार, चंद्रमा के घूर्णन के कारण उसका गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय यानी चंद्रमा की ओर, अभिकेंद्रीय बल में बदल जाता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून बिकम्स सेंट्रिपिटल फोर्स। अब यहां सेंटर कौन है, मून, पेटल मींस आकर्षित, तो मून की ओर आकर्षित, सेंट्रिपिटल फोर्स इसमें बदल गया। एंड सेम टाइम, और उसी समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेम टाइम एंड इन सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज इन द रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल तो उसी समय में प्रतिक्रिया स्वरूप अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। तो जो पृथ्वी का हिस्सा चंद्रमा के सम्मुख होता है और वह हिस्सा पृथ्वी का जो चंद्रमा के विपरीत होता है, दोनों पर एक साथ ज्वार आते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सम्मुख है, सम्मुख है तो उस पर कौन सा बल होगा? ब्रैकेट में लिख देंगे अभिकेंद्रीय बल। सम्मुख है पर तथा वह भाग जो चंद्रमा के विमुख है पर अपकेंद्रीय, तो जो विमुख है उस पर अपकेंद्रीय बल के कारण एक साथ ज्वार आते हैं। साइमल्टेनियसली टाइड्स अकर एट द सरफेस ऑफ द सी मीन्स अर्थ यस अपोजिंग द मून फेस ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स एंड द सी एट अर्थ सरफेस अब उनका मुख किधर है? जिधर चंद्रमा का मुख था सरफेस इनटू सेम डायरेक्शन ऑफ मून अकर simultaneously tides occur at the surface of the sea earth opposing the moon face due to centripetal force and the sea surface that is in the same direction of the moon so because of kiske badolat centrifugal force तो इसके बदौलत आ गए। तो यहां हम लोग डायग्राम से देख लें तो डायग्राम के आधार पर अगर यहां बात करी जाए तो यही है, इधर मून है तो मून इधर देख रहा है, ये इधर देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, और इधर का अर्थ जो मानो होगा उसका मुख इधर होगा। तो मान लो मून इधर ईस्ट की ओर देख रहा है तो ये लोग भी इधर ईस्ट की ओर देख रहे होंगे, तो ये इधर के
वेस्ट की ओर देख रहे होंगे, तो अपोजिंग फेस पर सेंटिपिटल से और जो सेम फेस होता है उससे लीवार्ड जो फेस होता है उस पर जो है वो, तो ये मून वार्ड एंड मून लीवार्ड फेस दोनों पर टाइड्स एक साथ आते हैं। तो यही कारण है कि जो टाइड्स हैं वो दो विपरीत देशांतरों पर एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसीलिए दो विपरीत देशांतरों पर एक साथ ज्वार उत्पन्न होते हैं, ये है। तो अगर हम लोग मैप पर चले जाएं और इन चीजों को थोड़ा मैप पर देखने की कोशिश करें तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सपोज हमने ये कहा कि ये अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन में इस अगर हम लॉन्गिट्यूड को देखें तो दिस इज द 30 डिग्री वेस्ट, आपको दिख रहा होगा आप 30 डिग्री वेस्ट। तो जीरो से ये इधर कितना दूर है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब है 180 डिग्री का अंतर करने के लिए 30 तो इधर हो गया, अब हमें इधर 150 और जाना पड़ेगा। जब हम 150 जाएंगे तो हमें पैसिफिक ओशन में पहुंचना होगा। तो अब यहां जब हम पैसिफिक ओशन में पहुंच रहे हैं तो ये लाइन आपको दिख रही होगी तो 180 डिग्री है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम यहां कहीं 150 डिग्री के आसपास होंगे। तो अगर मैप को और बड़ा कर लें तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। यहां तो ये जो चल रहा होगा ये आप क्या हो गया 150 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री ईस्ट। अब आपने यहां देखा कि जो टाइड है वो आया है कौन से, यहां सागर आपको दिख रहे हैं 150 पर। तो सपोज दैट कि ये जापान के यहां पूर्वी तट पर ये ज्वार आएगा इस पर। तो जब जापान के पूर्वी तट पर अगर ज्वार आ रहे हैं तो फिर अगर हम वहां जाके देखें अटलांटिक ओशन में तो वहां हमें कहां पर ज्वार मिलेंगे, तो चलो अटलांटिक में चेक कर लेते हैं। तो अटलांटिक में जब हम चल दिए तो ये लाइन हमको दिखी 30 डिग्री वेस्ट की, तो जब यहां जापान के तट पर आ रहे हैं तो यहां ब्राजील के इस तट पर भी ज्वार आ रहे हैं। हमें ये एक मोटा मोटा आकलन लगाना था, तो जो हमने एग्जाम्पल दिया था तो थोड़ा कष्ट करके अगर एक बार एटलस पर देख लेंगे तो टेढ़े से टेढ़ा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर? जैसे हमने कहा कि अगर ज्वार यहां आ रहे हैं, थोड़ा कलर बदल दें, ये 0 डिग्री है तो यहां भूमध्य सागर हो गया, इंग्लिश चैनल हो गए, यहां आ गए गल्फ ऑफ गिनी हो गया। इस लाइन पर अगर कहीं ज्वार है तो इसका मतलब है कि अब हम पैसिफिक ओशन में चले जाएं तो 180 डिग्री पर हमें यहां ज्वार दिखाई देंगे, क्योंकि दो विपरीत देशांतरों के बीच 180 डिग्री का अंतर होता है। तो अब यहां हमें प्रशांत महासागर के ये मध्य में ज्वार दिखाई पड़ेंगे और यहां जो आइलैंड्स वगैरह होंगे कार्माडेक, फीजी,
इन सब क्षेत्रों में ये ज्वार आ रहे होंगे। तो एक बार जो कंसेप्ट कहा जाए तो थोड़ा सा परिश्रम क्या एक तरीके से प्रयास है कि अगर ऐसा कहा गया है तो चलो एटलस पर देख लेते हैं, और एटलस दर्शन जो है उसका बहुत फायदा करता है। तो जब भी दर्शन करने हैं तो एटलस के दर्शन कर लें, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब बातें हम लोगों ने इतनी कर ली, तो हम लोग अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। तो इसीलिए दो विपरीत देशांतरों पर एक साथ ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो मूल कारण क्या था? व्हाट इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी? इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ज्वार की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो बढ़िया क्वेश्चन बना। ज्वार की ऊर्जा का मूल स्रोत चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ टाइड्स एट सी सरफेस इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय द मून। अब हम लोग अक्सर कहते रहते हैं एनसीईआरटी में पढ़ा, एग्जाम में बड़ा होशियार है, वो भी पढ़ा लिखा आदमी होता है, तो वो क्या करेगा, उसने भी पढ़ रखा है कि साफ पृथ्वी पर होने वाली सभी गतिविधियां, सागर में चलने वाली धाराएं, पवन पेटियां, इन सब का जो मूल स्रोत है, या जैविक क्रियाएं, इन सब का मूल स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। अब सब में एक लमसम आइडिया बन गया, लेकिन हमने अपने मस्तिष्क में कभी इस प्रश्न को क्रॉस चेक नहीं किया, और जब क्रॉस चेक नहीं किया तो अगला कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, जरा लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं मूलतः सौर ऊर्जा द्वारा परिचालित हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहना है जो अब पीसीएस हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर फंडामेंटली रन बाय सोलर एनर्जी, मींस इंसुलेशन? सोलर एनर्जी और इंसुलेशन। नंबर वन, विंड सर्कुलेशन, पवन परिसंचरण, महासागरीय धाराएं,
उसने करेंट्स टाइड्स एंड सुनामी वेव्स ज्वार एवं सुनामी तरंगे टाइड्स एंड सुनामी वेव्स फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पारितंत्रों के कार्य सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड सही उत्तर कूट का चयन करें ऑप्शन ए 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 ये आपको हमने चार ऑप्शंस दे दिए हैं। अब आप जानते हैं ज्वार आते हैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से और इससे सूर्य तप का कोई लेना देना नहीं है और सुनामी तरंगों से भी सूर्य तप का यानी इंसुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मूलतः सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। बाकी ये सारी प्रक्रियाएं मूलतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ये है तो थोड़ा शब्द जाल में रख करके ये घुमा देते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस अभी पीसीएस में बहुत कम हैं लेकिन आईएस में खूब आते हैं। हमने कहा जरूरत भर का थोड़ा बहुत आईएस भी छील करके अपनी स्ट्रेटजी में मिलाते रहिए स्वादानुसार, मतलब जरूरत के मुताबिक। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड, यहां तक तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा ज्वार और मूल ऊर्जा, अब बात आती है द टाइप्स ऑफ द टाइड्स, ज्वार के प्रकार। अब हम लोग कई प्रकार के ज्वार का अध्ययन करते हैं जिसमें डेली टाइड्स दैनिक ज्वार, दूसरा सुना होगा दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड, तीसरा नीप टाइड मध्यमा ज्वार, ये है। फिर कोई कहेगा कि जो है वो सोलिस्टिस टाइड संक्रांति ज्वार, और जब सोलिस्टिस टाइड्स हो सकते हैं तो फिर इक्विनॉक्टिकल टाइड्स विषुवतीय ज्वार, क्योंकि इक्विनॉक्टिकल टाइड मतलब कि दिन और रात जहां बराबर हो वो तो इक्वेटर पर होते हैं। अब इन सब में केवल अगर मिस्टर मून कैन प्ले द रोल ओनली, दीज आर द डेली टाइड्स, केवल मून। यहां अर्थ को मून प्लस सन दोनों प्रभावित करते हैं। तो मून तो रहता ही है, तो व्हाट इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द टाइड्स। तो ज्वारों के उत्पन्न होने का जो मूल कारण है, जो सभी प्रकारों में विद्यमान है, वो है साहब मून। मून 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 ये है।
तो इसलिए कहा जाता है कि ज्वर किसके बदौलत आते हैं, बिकॉज ऑफ द मून। बट सो मैनी मॉडिफिकेशंस इनटू द हाइट एंड द टाइम ऑफ अकरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द रोल ऑफ द सन। तो सूर्य की भी अपनी भूमिका से भी यहां कई चेंज और परिवर्तन आते रहते हैं, जिनमें से अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज द डेली टाइड्स, दैनिक ज्वार, ये हो गया। तो जो डेली टाइड्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसका मतलब है कि केवल चंद्रमा के सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले ज्वार, दैट इज द डेली टाइड्स। हम लोग दैनिक ज्वार की बात कर रहे हैं तो जिसमें सूर्य की अपनी कोई भूमिका नहीं है। तो डेली टाइड्स क्या क्या होते हैं? ऐसे ज्वार जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं, दोज टाइड्स अकर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एट अर्थ सरफेस पर डे, रोज। इनमें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की कोई भूमिका नहीं होती, नो रोल, देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बाय सन। अब जो इनकी ऊंचाई वगैरह है वो सब चंद्रमा के परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल पर निर्भर करती है। द हाइट ऑफ दीज टाइड्स एंड टाइम ऑफ द टाइड्स, तो हाइट ऑफ दीज टाइड्स एंड टाइम ऑफ द टाइड्स डिपेंड्स अपॉन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून। तो इन ज्वारों की ऊंचाई और समय चंद्रमा के घूर्णन तथा परिक्रमण पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। अब देखें, हम लोग चंद्रमा के रोटेशन की बात करते हैं तो चंद्रमा अपने एक्सिस पर जितने समय में धरती घूमती है उतने ही समय में मून भी अपने एक्सिस पर धुरी पर घूमता है। यह है अर्थ और यह है मून, दोनों एक ही समय में दोनों घूमते हैं। तो जब आप यहां पर हैं, एक पर्सन यहां पर है सपोज करो, और ये पर्सन जो पी है वो चंद्रमा के इस एक्स डॉट को देख रहा है, तो अब दूसरे दिन भी जब मून यहां सामने आएगा इस चक्कर को लगाते हुए 24 घंटे में, तो 24 घंटे में ये भी ऐसे चक्कर लगाता हुआ यहां पर इसी जगह आ जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा
देखते हैं, राइट। तो जब मून यहां है तो मून के कारण यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स से टाइड आएगा और इधर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टाइड आएंगे। इस समय मान लो ये 10 बज रहे थे सुबह के, ये तो सुबह 10 बज रहे थे तो दो टाइड हमें धरती पर एक साथ दिखे, ये इस प्लेस पर पी पर और ये यहां इस प्लेस पर क्यू पर, तो दोनों एक साथ ज्वार उत्पन्न हो गए। अब जब 24 घंटे में मून अपने एक्सिस पर घूमेगा तो मून का पहिया छोटा है तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी अपने परिक्रमण पथ पर वो रिलेटिवली कम होगी, और पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमेगी तो घूमती हुई जब आगे बढ़ेगी तो ये पहिया बड़ा है तो इसके द्वारा ज्यादा दूरी तय की जाएगी। तो अब जब ये दोनों पी और एक्स जब सामने आएंगे तो उस दूरी की भरपाई करने के बाद ही मून सामने आएगा, और इस दूरी की भरपाई करने में तो मान लो ये 10 बजे था और तारीख थी 4th जैन था, तो अब दूसरे दिन जो स्थिति बनी वो ये बनी कि यही मून में ये जो डॉट एक्स है ये पृथ्वी के सामने इस पी पर्सन के सामने ज्यादा दूरी तय कर गई थी, क्योंकि पृथ्वी का पहिया बड़ा है, उसने भी एक चक्कर पूरा किया, यानी एक चक्कर पूरा किया किसने, आपके बस के पहिए ने, और एक चक्कर पूरा किया स्कूटर के पहिए ने, तो अपनी धुरी पर तो कौन आगे निकल जाएगा, बस का एक पहिया चक्कर लगाते आगे बढ़ जाएगा, उसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है, तो इसी आधार पर अंतर आ जाता है, और उस अंतर की भरपाई करने में मून को आगे आने में 52 मिनट और लग जाते हैं। तो अब जब ये स्थिति सामने आएगी तो ये 10:52 होंगे, लेकिन ये 5 जनवरी होगा। इसका मतलब है कि उसी स्थान पर जो पुनः ज्वार आएंगे वो 24:52 बाद आते हैं, तो एक दैनिक ज्वार के बाद उसी स्थान पर दूसरा दैनिक ज्वार 24:52 बाद आता है। एक दैनिक ज्वार किसी स्थान पर पुनः 24:52 बाद आता है, और डेली टाइड reoccurs at same place after 24:52. तो ये जो एक्स्ट्रा समय 52 मिनट का लग गया है, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्गर रेडियस ऑफ द अर्थ। यह 52 मिनट का अतिरिक्त समय पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या से बड़ी है, इसलिए लगता है,
इसलिए नहीं कि चंद्रमा धीरे घूमता है धुरी पर, चंद्रमा भी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है, इसलिए लगता है। द एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 52 मिनट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ longer radius of the earth than the moon। ये कारण अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन तो अब मून जो है वो परिक्रमा करता हुआ अगर हम देखें तो ये रही अर्थ और ये रहा मून। तो मून अगर यहां पर है 10 एएम पर, तो यही मून यहां इसके सामने होगा 10:26 पीएम पर। तो जब मून यहां होगा तो ऐसी स्थिति में यहां सेंट्रीपिटल ज्वार आ जाएंगे और यहां सेंट्रीफ्यूगल ज्वार आ जाएंगे। मून की लोकेशन चेंज हो गई, अब मून अपोजिट लॉन्गिट्यूड पर है। तो 12 घंटे 26 मिनट बाद मून विपरीत देशांतर पर होता है। After 12 hours 26 minutes, moon faces the earth at opposite longitude। तो उस लॉन्गिट्यूड पर जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्वार आया था, अब वहां सेंट्रीपिटल फोर्स से आएगा। अब यहां पर ये जो ज्वार होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल से आएंगे। तो अब मून इधर हो गया तो इधर सीपीएफ के बदौलत आएंगे यहां पर ज्वार, और ये जो ज्वार होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आएंगे। चेंज हो गई पोजिशन। तो ऐसे ज्वार जो उसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद आते हैं उन्हें हम डेली टाइड्स कहते, सॉरी सेमी डेली यानी कि अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। द टाइड्स, इसको हिंदी में लिख लें, चंद्रमा 12 घंटे 26 मिनट बाद 12 घंटे 26 मिनट बाद विपरीत देशांतर पर होता है। जिससे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ज्वार के स्थान आपस में बदल जाते हैं। जिससे अभिकेंद्रीय ज्वार तथा अपकेंद्रीय ज्वार के स्थान आपस में बदल जाते हैं। So the places means the longitudes
ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल टाइड एंड सेंट्रिफ्यूगल टाइड्स गेट म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। तो ऐसे ज्वार जो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आते हैं वो अर्धदैनिक ज्वार हैं, अर्धदैनिक ज्वार। जो 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान पर यानी लॉन्गिट्यूड पर देशांतर पर उत्पन्न हो तो उनको हम अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। तो अर्ध को सेमी कहते हैं, तो दैनिक को अब इंग्लिश में डेली नहीं कह सकते क्योंकि अब सेमी शब्द हमने लैटिन भाषा से ले लिया, तो दैनिक का शब्द भी लैटिन भाषा से लाना पड़ेगा। डायर्नल टाइड्स, सेमी डायर्नल टाइड्स, अर्धदैनिक ज्वार। तो अर्धदैनिक ज्वार क्या हो गए? दोज टाइड्स विच अकर एट सेम प्लेस मीन्स द लॉन्गिट्यूड एट द इंटरवल ऑफ 12 आवर्स 26 मिनट्स। जो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर उत्पन्न हो उन्हें हम अर्धदैनिक ज्वार कहेंगे। तो अब दैनिक ज्वार क्या हो गए, डायर्नल टाइड्स क्या है? ऐसे ज्वार जो 24 घंटा 52 मिनट के अंतराल पर आते हैं उसी स्थान पर, तो उसी स्थान उसी देशांतर पर 24 घंटा 52 मिनट के अंतराल पर आते हैं, सेम प्लेस एट द इंटरवल ऑफ 24 hours and 52 minutes। इसके अगर अंतराल पर ये आते हैं तो ये तो और हमेशा दैनिक ज्वार में चंद्रमा और पृथ्वी की आपसी जो गुरुत्वाकर्षण है वही उत्तरदायी है, एंड देयर इज नो रोल ऑफ द सन। अब मान लो अब हम सूर्य देव को शामिल कर लें, तो अब आपने सुन रखा होगा कि मान लो ये मून है, दिस इज द मून, दिस इज द अर्थ एंड दिस वन इज द सन। ये है स्थिति, ये एक स्थिति हो गई। तो दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि हमने कहा कि ये यहां सन है और अर्थ इसके घूमते हुए इधर आ गई, और मिस्टर मून इधर हैं, तो ये दूसरी स्थिति है। तीनों अगर हम देखें तो एक लाइन में हैं, लेकिन यहां अर्थ और मून दोनों एक ओर ही हैं, तो इसे हम कंजंक्शन कहते हैं।
एक साथ हैं, जोड़े में हैं, तो ये युति है। अब एक इधर है, दूसरा उधर है, तो अब ये जो स्थिति है इसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। इसे वियुति कहते हैं। तो अब जब ये हुआ कि वेन द सन एंड मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, ये दो जो संभावनाएं हैं इन्हें सिजगी कहा जाता है। तो सिजगी आर ऑफ द टू टाइप्स, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, तो इसे हम सिजगी कहते हैं। अब मान लो कि अर्थ पर यहां से मून ने अपना सेंट्रीपिटल फोर्स डाला और ये आ गया ज्वार, और इधर मून के सेंट्रीफ्यूगल से आ गया ज्वार, तो इधर सन के सेंट्रीपिटल से आ गया ज्वार, इसने भी जोड़ दिया इसमें, तो सन के सेंट्रीफ्यूगल से इधर, तो अब इधर अर्थ पर देखा जाए तो दोनों के ज्वार जुड़ रहे हैं। अब हमने कहा कि ये सन ने अपना सेंट्रीपिटल यहां डाला तो फिर मून का भी सेंट्रीपिटल पड़ा, तो यहां पर सन का सेंट्रीपिटल होगा तो फिर मून का भी सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर दोनों के अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल मिलकर के बढ़ जाते हैं और ज्वार की ऊंचाई बढ़ जाती है, और ऐसे ज्वारों को हम स्प्रिंग टाइड की संज्ञा देते हैं। तो वी कॉल स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग उछल गया कोई एकदम, इन्हें हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। तो दीर्घ ज्वार कब आते हैं, तो पहली बात आ गई क्या दीर्घ ज्वार में, तो दीर्घ ज्वार कब आए, तो दीर्घ ज्वार आते हैं जब युति वियुति की स्थिति हो, तो स्प्रिंग टाइड अकर एट द टाइम और स्टेट ऑफ सिजगी, सिजगी की स्थिति में आते हैं। तो जब सिजगी की स्थिति आती है तब ये दीर्घ ज्वार आते हैं। सिजगी क्या है, जब सूर्य चंद्र तथा पृथ्वी तीनों एक रेखा में होते हैं, सन मून एंड अर्थ ऑल द थ्री get adjusted in a straight line into space, straight line into space। तो जब अंतरिक्ष में ये तीनों एक सीधी रेखा में जब आ जाएं, तब आप समझ जाइए कि ये दीर्घ ज्वार होगा। और दीर्घ ज्वार की दो स्थितियां हो सकती हैं, एक कंजंक्शन और दूसरा डिसजंक्शन। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण यानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे ज्वार की ऊंचाई बढ़ जाती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून
becomes additive to raise the height of tides. सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त होकर ज्वार की ऊंचाई बढ़ा देते हैं। जितना बल पड़ेगा हाइट उतनी ज्यादा होगी, ज्वार की ऊंचाई बढ़ा देते हैं। अब बात आती है कितनी ऊंचाई हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ज्वार की ऊंचाई 15 मीटर तक पहुंचती है। दीर्घ ज्वार ऊंचाई 15 मीटर तक बढ़ती है। द हाइट ऑफ टाइड स्प्रिंग टाइड गोज अप टू 15 मीटर, बहुत होता है 15 मीटर। तो जैसे ये कोस्ट वगैरह हैं, ये कोई रिवर वगैरह है जो सागर में गिर रही है, तो जब ये ज्वार उठता है तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये जो वाटर वगैरह होता है तट तक काफी दूर तक पहुंच जाता है, और नदी के प्रवेश मार्ग से ये काफी अंदर तक ये ज्वार पहुंचता है। तो मान लो यहां कोलकाता है, तो अब कोलकाता तक बड़े बड़े शिप पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से पोर्ट स्थल के अंदर नदी के किनारे टाइडल पोर्ट बन जाते हैं। ये बहुत बेहतर। और ठीक इसी तरीके से दैनिक ज्वार में भी अगर हम बात करें तो वहां भी लो टाइड और हाई टाइड आते हैं। तो जब पेरिजी और एपोजी की स्थिति आई तो पेरिजी में चंद्रमा पास में आएगा तो हाई टाइड हो जाएगा, और एपोजी में जब चंद्रमा दूर जाएगा तो लो टाइड हो जाएगी। तो उपभू और अपभू ज्वार की जो बात होती है, तो अगर हम लोग यहां बात करते एक और ज्वार का प्रकार था जिस पर हम लोगों ने गौर नहीं किया, वो उसे डिस्कस कर लेंगे। तो 15 मीटर तक बढ़ती है, और इसे हमने कौन सा ज्वार बताया, दीज आर द स्प्रिंग टाइड। तो सी लेवल से जो इसकी हाइट है वो कहां तक बढ़ गई, 15 मीटर ऊंचाई तक, 15 मीटर तक जा सकती है। अब बात आती है नीप टाइड यानी कि मध्यमा ज्वार बहुत ना तो ऊंचे हैं ना बहुत छोटे हैं, तो डेली टाइड से दैनिक ज्वार से ये ऊंचे हैं लेकिन स्प्रिंग टाइड से नीचे हैं। तो ये कब उत्पन्न होंगे, मान लो ये रही अर्थ और यहां सामने हमने कहा यहां है मिस्टर सूर्यदेव, और मून का ये अपना परिक्रमण पथ है अर्थ के चारों ओर, यहां ये घूमते हैं। अगर ये घूमता हुआ मिस्टर मून यहां से यहां आ जाए, ये तो यहां से यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। जब इनकी स्थिति यहां पर हो या यहां पर हो, इनकी मिस्टर मून की ये शिफ्ट होते रहते हैं। तो अब हम दो स्थितियों की बात कर रहे हैं, एक ये एक ये। अगर इनको हम जोड़ना चाहें तो एंगल बनाएं, तो ये एक एंगल बना,
दैट इज ऑफ 90 डिग्री, या हम कहें कोई दूसरा एंगल दिखाना, यहां दूसरी स्थिति है, इट इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। यानी मध्यमा ज्वार या नीप टाइट तब आते हैं जब या तो ये स्थिति हो या फिर ये स्थिति हो। अगर हमने यहां कह दिया ये फुल मून है तो हम इसे कह सकते हैं इधर ये न्यू मून है, न्यू मून मतलब अमावस्या, फुल मून मतलब पूर्णिमा। तो अमावस्या को कभी भी नीप टाइड नहीं होगा, पूर्णिमा को कभी नीप टाइड नहीं होगा। नीप टाइड कब होंगे, जब सेवेंथ और एट्थ डे ऑफ एनी फोर्टनाइट किसी भी पक्ष की सप्तमी या अष्टमी होगी। मान लो वो न्यू मून से फुल मून की ओर जा रहा है तो इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, ज्यादा उजाला है तो शुक्ल पक्ष होगा, उसके सप्तमी या अष्टमी को ये मध्यमा ज्वार आ सकता है। और इधर हमने कहा कि ये अंधेरा बढ़ता है तो अंधेरे को, काले को कृष्ण कहते हैं, तो ये कृष्ण पक्ष हुआ, और कृष्ण पक्ष की भी सप्तमी या अष्टमी को ये हो सकता है। तो नाउ द थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। तो 14-14 दिन के लगभग पक्ष होते हैं, और इन 14-14 दिन के फोर्टनाइट में एक पक्ष में ये सप्तमी या अष्टमी को नीप टाइड आते हैं, क्योंकि वह संभावना होती है कि मून, अर्थ और सन के बीच एक ट्रायंगल बन जाए। तो जब सूर्य, चंद्र और अर्थ मिलकर के एक त्रिकोण बनाते हैं तो नीप टाइड कब आते हैं, तो नीप टाइड अकर्स व्हेन सन, मून, अर्थ गेट एडजस्टेड थ्री पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल मींस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीन बिंदुओं के रूप में ये उपस्थित होते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा का जो अपना आकर्षण बल है और जो सूर्य का जो आकर्षण बल है, तो मान लो ये F1 है तो ये F2 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा कि चंद्रमा और इनका जो आकर्षण बल है, मान लो चंद्रमा का 3 न्यूटन है और सन का 4 न्यूटन है, तो हम लोग अब लगा देंगे या तो पाइथागोरस प्रमेय या वेक्टर एनालिसिस लगा दें, तो रिजल्टेंट ये होगा। और इस रिजल्टेंट को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यही ऐसे बना लेंगे, ये रिजल्टेंट होगा, यानी इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी के स्क्वायर के। तो स्क्वायर ऑफ द 3 दैट इज 9, स्क्वायर ऑफ द 4 दैट इज 16, दैट इज 25। सो व्हाट वुड बी द सी, इफ सी स्क्वायर इज 25 देन सी वुड बी द 5 न्यूटन। सो इट इज लार्जर देन द 3 and 4 बोथ, बट इट इज नॉट एज हायर एज इन केस ऑफ द स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में दोनों एक साथ थे तो 3 + 4 = 7 न्यूटन। तो इसलिए मध्यमा ज्वार में जो ऊंचाई होगी, ना तो वो 3 न्यूटन जैसी कम होगी, यानी कम बल है, और ना ही वो 7 न्यूटन जैसी, स्प्रिंग टाइड जैसी ऊंची होगी, बीच का मान होगा। इसीलिए इसे हम स्प्रिंग टाइड का नाम देते हैं। तो इनकी जो ऊंचाई होती है वो दैनिक ज्वार से अधिक और दीर्घ ज्वार से कम होती है। मध्यमा ज्वार की ऊंचाई दीर्घ ज्वार से कम
सकता था दैनिक ज्वार से अधिक होती है। द हाइट ऑफ स्प्रिंग टाइड सॉरी नीप टाइड इज लेसर देन स्प्रिंग टाइड एंड मोर देन डेली टाइड। तो दैनिक ज्वारों से इनकी ऊंचाई अधिक और दीर्घ ज्वार से कम होती है। तो 15 मीटर तक होती है दीर्घ ज्वार की और 5 मीटर तक होती है दैनिक ज्वार की। तो 7 या 8 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। अब जब बने स्थिति एक लाइन में, लेकिन उस लाइन की स्थिति में यानी ऐसे ज्वार जब सूर्य कर्क रेखा पर हो तो सोलिस्टिस टाइड और जब सूर्य विषुवत रेखा पर हो तो इक्विनॉक्टिकल टाइड। तो लिख दें संक्रांति ज्वार तथा संक्रांति को कर्क या उसकी वजह से अयन व्रतीय ज्वार भी कहते हैं या विषुवतीय ज्वार। तो इनका एक और नाम होता है अयनव्रतीय ज्वार और ये यानी सोलिस्टिस टाइड एंड इक्विनॉक्टिकल टाइड। ये कुछ नहीं है, ये समय को बताते हैं इक्विनॉक्टिकल टाइड। तो जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर लंबवत हो तो अयनव्रतीय यानी कि सोलिस्टिस टाइड्स आते हैं और जब विषुवत रेखा पर लंबवत हो तो इक्विनॉक्टिकल टाइड यानी विषुवतीय ज्वार आते हैं। इन्हें भी आप लिख लेंगे। तो ये केवल टाइम फ्रेम यानी डेट से लेना देना है। तो सोलिस्टिस टाइड्स 2 बार आ सकते हैं, एक तो 21 जून को तो दूसरे 22 दिसंबर को। और ये जो इक्विनॉक्टिकल टाइड होते हैं आपको पता होगा 21 मार्च को या फिर 23 सितंबर को आते हैं। अब बात आती है कि पेरिजियन टाइड्स उपभू ज्वार और एपोजियन टाइड्स अपभू ज्वार ये कब आते हैं? जब पृथ्वी के पास में आ जाए मून तो दूरी बहुत कम हो जाती है और एक बार दूरी अधिक हो जाती है तो दिस इज द ऐसी स्थिति होगी तो एपोजियन और जब ये स्थिति होगी तो ये पेरिजियन। तो पेरिजी को उप और भू ज्वार और इसे अप भू ज्वार। लेकिन ये दोनों किसके रूप होते हैं पेरिजियन और एपोजियन टाइड? दैनिक ज्वार के ही रूप होते। These are the two special types of the daily tides. ये दैनिक ज्वारों के ही विशिष्ट रूप हैं। So for today it is enough. We have discussed a lot about the coral bleaching, the full length question and so many important facts and points related with the prelims. Then for the mains the topic is what is the significance of the टाइड्स, ज्वारों का महत्व क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे ज्वारों का महत्व। और इसके बाद हम लोग ओशनोग्राफी को लगभग खत्म करने की कगार पर होंगे। कुछ चीजें बचेंगी जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद हम लोग भारत के भूगोल पर जितना अभी तक पढ़ा है सबको इंटेंसिव कोर्स में पढ़ना चाहेंगे। सो फॉर टुडे इट इज ओवर एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।